गाइस, इट्स मी प्रमीशा शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं हिंदी में ब्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि सबको समझ में आता है हिंदी, तो इसीलिए आप यहाँ का वेदर देख सकते हैं कैसा है यहाँ का वेदर। सो आज मैं दिखाने जा रही हूँ बुद्ध पार्क नियर डेलो। आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने पहले बताया था कि बुद्ध पार्क का एक एक्स्ट्रा ब्लॉग बनाएंगे, तो आज मैं दिखा रही हूँ। और आज मेरा गला भी बहुत ख़राब है, तो थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो हो रहा है, फिर भी मैं ब्लॉग तो कंप्लीट करूँगी। पहले आप यहाँ का नज़रिया देखिए, वेदर कैसा। इतना गाइस, स्कूटी में राइड करते समय आपको ये चेस्ट गार्ड पहनना बहुत ज़रूरी है, इसे विंड प्रोटेक्ट भी कहते हैं। तो आप जब भी राइड करेंगे तो ये विंड प्रोटेक्ट पहनना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राइट गाइस। तो मैं तो जब भी ट्रैवल करती हूँ हमेशा ही पहनती हूँ, क्योंकि बाद में जाकर वो बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए। फिर भी मेरा तो अभी तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा गला ख़राब है, तो इसीलिए आप लोग भी पहनिए और राइड करिए, ठीक है गाइस। अब हम आपको ले चलेंगे बुद्ध पार्क व्यू पॉइंट, तो चलिए अब मेरे धन्नों के साथ चलते हैं। और ये मैं अभी मेरे धन्नों को लेकर जा रही हूँ व्यू पॉइंट बुद्ध पार्क। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर कैसा है, देखिए कितना फॉग कैसा है, आप लोग देख सकते हैं कैसा है यहाँ का वेदर। गाइस, मैं बुद्ध पार्क पहुँच गई हूँ, व्यू पॉइंट है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है बुद्ध पार्क, आप लोगों को लेके। सो गाइस, ये है, अब हम आ चुके हैं व्यू पॉइंट बुद्ध पार्क के व्यू पॉइंट। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये है लाफिंग बुद्ध, देखिए इतना क्यूट है, यहाँ पर शायद किसी ने रखा है पत्थर के ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर इतना चिल है, यहाँ पर आने का जो मकसद होता है ना, वो जो पीस होता है, वो आप लोग यहाँ आकर ही वो महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, पर इतना हवा चल रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। Here at view point, बुद्ध पार्क, देखिए यहाँ का नजारा, यहाँ का व्यू ना सुंदर है, और आप देख सकते हैं ना खूबसूरत, इतना पीस। आप जब यहाँ पर आएंगे तो पता चलेगा कि इतना पीस, इतना सुकून, ऐसा है ये जगह। देखिए, if you truly love yourself, you could never hurt another. देखिए इतना सुंदर तरीका से बनाया है, इतना अच्छा, देखिए इतना सुंदर, यहाँ पर जगह भी इतना सुंदर है, साफ है, और हमें इतना सुकून मिलता है यहाँ पर, जिसे हवा तेजी से आ रहा है। यहाँ पर कभी गर्मी का महसूस नहीं होता है, यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो हमें एक सुकून सा, ठंडा चिल, ऐसा ही होता है यहाँ का वेदर। देखिए अभी तो इतना फॉग है, तो वेदर क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को वहाँ का नज़रिया भी, व्यूज़ भी दिख पाते थे, पर अभी तो वेदर ख़राब है यहाँ का। तो गाइस, मैंने आपको दिखाया है बुद्ध द्वार, ये है बुद्ध का स्टैचू, इतना खूबसूरत, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत है, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये जगह कैसे लगा। और आप लोगों को लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को एड्रेस भेज दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई आप आना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ का नज़रिया, आपको लोग एड्रेस दूँगी, ठीक है, टोटल एड्रेस। देखिए गाइस, यहाँ पर बारिश हो गया है, ब्लॉक करते करते बारिश हो गया है, और आपको मैं दिखा भी पा रही हूँ कि यहाँ पर बारिश होने से कितना अच्छा लग रहा है, देखिए, और मैं भीग भी गई।
गया है और मेरा धन्नो भी बिक गया है। देखिए यहाँ पर धूप भी है और बारिश भी हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं भीग गई हूँ। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। सो जो भी नए हैं इस चैनल में प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट करना मत भूलना और शेयर कर दीजिए, ठीक है? ओके बाय गाइस।